दिल्ली के कंझावला थाना इलाके के कराला में सोमवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बुलेरो कार ने दो छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई जबकि उसकी साथी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस ने CCTV कैमरों के आधार पर कार चालक को गिरफ्तार कर उसकी कार भी जब्त कर ली। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कंझावला थाना पुलिस को सोमवार की सुबह तकरीबन 6:52 पर कंझावला रोड कराला इलाके में साइकिल को कार द्वारा टक्कर मारने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सड़क पर काफ़ी खून और क्षतिग्रस्त हालत में साइकिल पड़ी थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि कार चालक दो छात्राओं को घायल अवस्था में चालक ने खुद ही सिग्नस अस्पताल रामा विहार में भर्ती करवाया और वहीं से फरार हो गया। डॉक्टरों ने 16 साल की नीलमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि 15 साल की अन्य छात्रा की हालत गंभीर बताकर उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। दोनों छात्राएं कराला स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, जबकि रामा विहार में अपने परिवार के साथ दोनों रह रही थी। दोनों परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिवार में मानो मातम सा पसर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला, जिसके आधार पर कार चालक की पहचान विजय पाल के रूप में हुई, जिसकी तफ्तीश कर उसे जोंती गांव से गिरफ्तार कर उसके पास से पिकअप बोलेरो कार भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं खाना खा रहा था, अचानक सुबह मैं ऑटो चलाता हूँ, PSR चलाता हूँ, और उसके बाद फिर अचानक खबर आई वहाँ से, बेबी लड़की हॉस्पिटल भर्ती है, वो उसके पापा आए भगते हुए कि भैया कुछ हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो हमने फ़ोन लिया, हमने फ़ोन को पूछा भाई क्या हो गया, तो बोले लड़कियाँ दोनों एक्सीडेंट हो गई, आ जाओ सिग्नेस में। हम लोग गए वहाँ, देखा तो नीलिमा तो 10:40 ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम हॉस्पिटल में थोड़ा हॉपलेस हो गए, हम परेशान हो गए, हमने तो बहुत प्यार से पाला था उसको। सर नीलम और उसकी फ्रेंड स्कूल जा रहे थे, तो जैसे इनके साथ ये जो भी हुआ जैसे, तो उसकी फ्रेंड जो है ना वो थोड़ा होश में थी, तो उसने अपने फादर को फ़ोन किया, तो उसके पापा ने फिर हमें बताया। फिर जब हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल से रिसेप्शन से कॉल आया हमें कि आपकी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, तब हम सब गए हॉस्पिटल।